अऊज़ुबिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि हमने पहला लेक्चर पढ़ा था मैट्रिसेस का, आज हम इस पर दूसरा लेक्चर दे रहे हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स का इसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में आप देखें, जब आप इसकी सेकेंड एक्सरसाइज है जी, पेज नंबर इसका बुक का 8 है। इसमें देखें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, आइडेंटिफाई करें मैट्रिक्स, कौन कौन से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशन ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए A matrix is row matrix if it has only one row, यानी matrix row matrix कब होगा, जब हम उसमें एक रोज हो। फॉर एग्जाम्पल आई राइट द मैट्रिक्स एम 1, 2, 3। अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 1/3 आ रहा है। हमें इस 3 से कोई कंसर्न नहीं है, ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वर्टिकल, हमें इसकी रो से कंसर्न, इसकी एक रो से, ये रो मैट्रिक्स है। एक और है, अगर मैं मैट्रिक्स एच लिख लेता हूँ 0, 5, इसका भी ऑर्डर लिखें तो 1/2, 1/2, इसमें एक रोज है और दो कॉलम है, ये भी रो मैट्रिक्स हो गया। और अगर मैं यूं कर लेता हूं एन मैट्रिक्स, अब हम इसको जरा कंसर्न करें, इसमें 2 रोज आ गए और इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/1, एन इज नॉट अ रो मैट्रिक्स, यानी एन आपके पास रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, उसमें नंबर ऑफ रोज एक नहीं है बल्कि 2 होगी, जबकि एम और एच जो मैट्रिक्स हमने लिखे थे तो इन दोनों की एक एक रोज थी, तो ये दोनों रो मैट्रिक्स हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसकी एक रो होगी। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स था उसमें एक रो थी, अब इसमें कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, अगर इसके एक कॉलम होगा। अ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। फॉर एग्जांपल ये रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें देखें एन मैट्रिक्स में देखें एन मैट्रिक्स की 2 रोज थी बट इसका कॉलम एक था। बाय डेफिनेशन एन एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्यों, इसका एक कॉलम है, एक कॉलम आ गया। मैट्रिक्स एन इज अ कॉलम मैट्रिक्स, यानी ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया। अगर हम उसकी और भी बात करते हैं, कॉलम 1, 4, 6, इसमें भी एक कॉलम है, पी भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनके एक कॉलम होंगे वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे और जिनकी एक रोज होंगी वो रोज मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये अब 2 डेफिनेशन है, क्योंकि ये आगे हमें क्वेश्चन में है, हमने जब आइडेंटिफाई करना होगा इनके बारे में तो हमें ये इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। अब इसकी जब हम थर्ड है नल मैट्रिक्स, थर्ड डेफिनेशन आपके पास आ रही है नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ
इट्स एंट्रीज आर जीरो। यानी एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा अगर उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होगी। फॉर एग्जांपल एम मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जीरो 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 जीरो, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। ये मैंने ले लिया एक ए मैट्रिक्स ले लिया है, जीरो जीरो, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। मैंने ओ ले लिया है, जीरो जीरो, ये भी एक नल मैट्रिक्स। ये तीनों के तीनों नल मैट्रिक्स हैं बिकॉज इसकी चारों एंट्रीज जीरो है, इसकी टू एंट्री जीरो है, इसकी भी टू एंट्री जीरो है। इन तीनों में फ़र्क है, इन तीनों का ऑर्डर सेम नहीं है। यानी ये टू बाई टू का है, ये वन बाई टू का है, और ये आपके पास टू बाई वन है। अब हम कहेंगे m इज़ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाई टू, ए इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन बाई टू, ओ इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाई वन। अब हम इसी एक्सरसाइज 1.2 के जब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, जैसे ए आपके पास लिखा हुआ है 0 0 0, बी आपके पास लिखा हुआ है 2 3 4, सी आपके पास लिखा हुआ है 406। आपने बताना है, मैंने इसके और पार्ट्स भी हैं डी ई एफ। अभी हम पहले इन तीनों को देखते हैं। ए देखें, ए की तमाम एंट्री जीरो है। अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली डेफिनेशन में, या मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरोज हों वो नल मैट्रिक्स होता है। तो ए के तमाम एंट्री जीरो है तो ए इज अ नल मैट्रिक्स, ए नल हो गया। अब हम अगर बी की बात करते हैं, बी की बात, इसकी एक रोज है। हमने पढ़ा था ऐसा कॉलम जिसमें एक रो होगी वो कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स। बी कौन सा आ गया, रो मैट्रिक्स आ गया। सी के बारे में जाएंगे तो उसमें एक कॉलम आ रहा है, तो सी एक कॉलम मैट्रिक्स। बस इसमें यही बताना है ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये फर्स्ट वाला नल है बिकॉज इसकी तमाम एंट्री जीरो है। बी वाला इसकी तमाम एंट्रीज में फर्स्ट रो एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, इसका एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके इसी क्वेश्चन वन के एक्सरसाइज 1.2 के वन के कितने पार्ट्स हैं, छः, ए बी सी, तीन मैंने कर दिए। तीन आपका होमवर्क है, कौन कौन से, डी वाला क्वेश्चन, ई और एफ। आपने इन तीनों मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करके अपना होमवर्क सबमिट मुझे करवाना है। इसमें आपने बताना है कि डी कौन सा मैट्रिक्स है, नल है, रो है या कॉलम है। सेम लाइक ई और एफ के बारे में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर टू में वह भी इसी तरह हमने आइडेंटिफाई करना है कुछ मैट्रिक्स के नाम है, कौन कौन से हैं जी। नंबर वन स्क्वेयर मैट्रिक्स, स्क्वेयर। सेकंड है जी आपके पास रेक्टेंगुलर। थर्ड वन पे है जी रो मैट्रिक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। फोर पे कॉलम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिफ्थ है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लास्ट पे है जी ये भी हम पढ़ चुके हैं नल मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर हम इस बुक का में डेफिनेशन दी हुई हैं, अगर हम इस बुक के पेज नंबर फोर पे जाएं तो पहले नंबर पे रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई मैंने लिखी हुई थी, वो बता भी दी आपको। ये हमें डेफिनेशन हमने क्लियर की है, कॉलम मैट्रिक्स भी की है, नल मैट्रिक्स भी की है। अब हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन आपके पास बुक पे पेज नंबर फाइव नंबर पेज पे दी हुई है। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। यानी आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है, जैसे ये कोई ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 1 3 4 5,
6 0। अब हम देखें ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? इसकी रोज कितनी है? 3 रोज हैं। इसके कॉलम कितने हैं? इसके कॉलम 2 हैं, यानी इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। यानी इसकी रोज 3 हैं, कॉलम 2 हैं, दोनों की तादाद बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसके बारे में हम कह सकते हैं जिसकी रोज और कॉलम आपस में की तादाद आपस में इक्वल ना हो, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंपल डेफिनेशन दी हुई है और आपने ये वर्बली भी याद करनी है। फिर इसके बाद आ जाए द स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स बी लिख लेता हूँ, 4 5 6 0। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखते हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? हॉरिजॉन्टल रोज हैं 2 रोज, हमने पढ़ा हुआ है। वर्टिकल इसके कॉलम्स की तादाद 2/2। इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो वो कौन सा कहलाता है? स्क्वेयर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आ जाता है लास्ट वन जो हमने इस क्वेश्चन में करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं 1/1 का 1 0 0 1, ये इसकी बेसिक शेप है। ये डायगनल एलिमेंट कहलाते हैं, यानी डायगनल के एलिमेंट 1 1 हो और नॉन डायगनल एलिमेंट क्या हो? सारे 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 है। यानी आप क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगनल के एलिमेंट की तमाम एंट्रीज 1 1 हो, 1 के अलावा नहीं आ सकती, और नॉन डायगनल एलिमेंट कौन से होंगे? 0। मिसाल के तौर पर मैं ये मैट्रिक्स एच लिखता हूँ, अब एच आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? इसकी एक डायगनल एलिमेंट -2 है, जबकि यहाँ पर 1 होना चाहिए, बाकी सारे वही हैं। एच भी नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी लिख लेते हैं, आइडेंटिटी में डायगनल के एलिमेंट तो सारे 1 1 है, लेकिन नॉन डायगनल में ये 0 तो है पर ये वाला 0 नहीं है, तो जी भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये इन सब की डेफिनेशन होगी। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे मैं पहले लिखता हूँ, पहले नंबर पे -8 2 7 12 0 4, -8 2 7 12 0 4। अब ये चेक करता हूँ कि क्या ये इन 6 में से ये कौन सा मैट्रिक्स है। स्क्वेयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन रिकॉल करता हूँ जिसमें रो और कॉलम की वैल्यूज इक्वल हो। रेक्टेंगुलर जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल ना हो। रो मैट्रिक्स वो होगा जिसकी एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो जिसमें डायगनल एलिमेंट 1 1 हो और नॉन डायगनल एलिमेंट 0 0, और नल मैट्रिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसकी तमाम एंट्री 0 हो। अब पहले हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया? स्क्वेयर होता है तो उसकी 2/2 होता है, दोनों सेम होते हैं, या 3/3, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बस इसके सामने लिख दो ये रेक्टेंगुलर। अगर हम नेक्स्ट लिख देते हैं, नेक्स्ट जो है 3 0 1, ये सिंपल से ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया। थर्ड वन जो है हम वो को देख लेते हैं, 6 -4 3 -2, इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। जब इसका ऑर्डर देखते हैं इसकी 2 रोज और 2 ही कॉलम है, तो हमने पढ़ा हुआ है ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, मतलब जिसकी रोज और कॉलम की तादाद सेम हो
वो कौन सा होता है? स्क्वेयर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा आ गया? स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब इसके पार्ट फोर, बिल्कुल सिमिलर मेथड से यही डेफिनेशन अप्लाई करनी है आपने। पार्ट फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और आई थिंक नाइन, ये पार्ट है। ये आपने आपका होम टास्क है, आपने ये चेक करने हैं कि इन छः में से ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल, आपने इस आगे लेक्चर में मैट्रिक्स की मुख्तलिफ डेफिनेशन को मैच करना है, ये यानी उनकी एग्जांपल है एक किस्म की। यानी ये जो आज का टॉपिक था वो क्या था? आपने आइडेंटिफाई करना है ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, यानी आपने इनमें से बताना, ये जो बाकी चार छः पार्ट रह गए हैं, नल मैट्रिक्स बताना है, आइडेंटी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, सर हमें इसमें डाउट है, जो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। और ये आपका होम टास्क है, इंशाल्लाह फिर आप नेक्स्ट मिलेंगे।